रीवा शहर के मध्य जम के चले लाठी डंडे और पत्थर। स्थानीय निवासी और सफाई कर्मियों के बीच हुए इस घटनाक्रम से शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दो थानों की पुलिस और खुद सीएसपी ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। आपको बता दें कि रीवा शहर के मध्य स्थित स्लम बस्ती रसिया मोहल्ले में निगम के सफाई कर्मी और स्थानीय लोगों में जमकर हाथापाई, मारपीट और पत्थरबाजी की घटना घटित हुई। यह रसिया मोहल्ला वही है जिसमें अभी कुछ दिन पहले प्रशासन और नगर निगम ने पुराना अतिक्रमण होने के कारण बहुत से मकान और दुकान को तोड़कर अपने कब्जे में लिया था। तभी से वहां के स्थानीय निवासी और नगर निगम कर्मियों के बीच तकरार बनी हुई थी। बुधवार की रात कर्मियों पर वहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ठेला लगाने के लेकर कुछ महिलाओं के साथ इनको जो घर पे जिन्होंने पथराव किया था उनको तत्काल अरेस्ट करके कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था कर रही है। विवाद किस बात को लेकर सर हुआ? विवाद दुकान लगाने के ऊपर विवाद था कि ठेले लगाते हैं आपस में, तो यहाँ ना लगाओ उधर लगाओ दूर दुकानदारी का एड्रेस थोड़ा करके इसको लेके विवाद हो रहा था और इस पर पूरी तरीके से पुलिस ने कानून व्यवस्था कायम करने की कार्रवाई की। सर, जानकारी निकल के आ रही कि अहाता को लेकर विवाद हुआ है, विवाद क्यों? मुझे अहाता है जो शराब हावली है उसी को लेकर विवाद उपजा था, ये जानकारी पुलिस को उसमें नहीं आ रही। वो तो केवल एक पान का टपरा टाइप के लगाते हैं, बच्चों की गोली बिस्किट बेचते हैं, वो इसको लेकर है। एक साथी महिला ने जाके फिर कितने लोग सर आरोपी बने हैं उसमें? लगभग तीन तो एक दो लोग अभी अरेस्ट किए हैं और बाकी पुलिस ना मानवाधिकारी सिविल लाइन कर रहे हैं। क्या महिलाओं को चोट दिया है? महिलाओं को कोई चोट नहीं थी, पथराव जरूर किया गया है, दुकान में पत्थर महिलाओं को चोट नहीं।